हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम फाइनली देहरादून पहुंच चुके हैं। करीब 9:30 हमारी ट्रेन पहुंची थी और हमने जस्ट रेलवे स्टेशन के पास बस स्टैंड है मसूरी के लिए, और हमने मसूरी के लिए बस पकड़ ली है। ये जो मसूरी वाला रूट है वो इजी रहेगा यमुनोत्री के लिए। हमने चारधाम यात्रा स्टार्ट कर दी है यहाँ से, और ये जो आप एरिया देख रहे हो ये लाइब्रेरी एरिया है मसूरी का। हमने स्कूटी रेंट पे की है, हम स्कूटी से चारधाम यात्रा करने के लिए निकले हुए हैं। और हमने जो स्कूटी की है वो 500 पर डे के हिसाब से की हुई है। सो हमने 10 डेज़ के लिए किया हुआ है, बट कोशिश करेंगे कि हम उससे पहले मतलब यात्रा अपनी कंप्लीट कर लें, चारधाम यात्रा। स्कूटी से करने का अलग ही मज़ा है। इसलिए हम बाइक से सोच रहे थे, बट हमने सोचा कि हम दोनों ही ड्राइव करें तो बेटर रहेगा। सो लेट्स गो, हमारे साथ आप भी ट्रिप इंजॉय करिए। पहुंचे और ये नज़ारे देखते चले, नज़ारे भी कितने सुंदर हैं। आपका देखो कितना प्यारा लग रहा है। जाने का मन नहीं कर रहा यहाँ से, बट स्टिल अंधेरा हो जाएगा तो मैं उससे पहले जाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा व्यू, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का।
वजह से इतना अच्छा नज़ारा देखा, लोगों ने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे घूम लेते हैं, थोड़ा व्यू का आनंद ले लेते हैं, उसके बाद फिर जर्नी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से अभी यमुनोत्री धाम है 70 किलोमीटर, आई थिंक 1.5 घंटा में पूरा कम्प्लीट हो जाएगा यमुनोत्री धाम। तो आप लोग भी व्यू का नज़ारा ले लीजिए, ठंडा है दोस्तों यहाँ का। जब वो जला उनका जो महल जलाया गया था तो वो लोग जो गुफा से निकले थे, जो सुरंग से निकले थे, वो यहीं आके निकले थे लाखा मंडल। और यहाँ पे ना कई सारी शिवलिंग पाई गई है, अभी खुदाई भी हो रही है, तो शिवलिंग ही शिवलिंग है यहाँ पे। तो आज भी बोला जाता है कि वो सुरंग है वहाँ पे, मतलब माता जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, और काफ़ी प्यारी जगह है। तो आप लोग अगर यमुनोत्री आ रहे हैं कभी इस रूट से, तो आप इस रास्ते से भी आ सकते हो। हम लोग मौजूद हैं बारकोट में। हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 12:30 बजे मसूरी से, इस वक्त 4:30 बज रहे हैं इवनिंग के और हम लोग बारकोट पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम लोग जाएंगे जानकीछट्टी। यहाँ से यमुनोत्री धाम 46 किलोमीटर दूर है, तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटे में हम लोग वो कवर कर सकते हैं। Thank you.
और थोड़ा सा खराब भी है, बट आप जंगल देख सकते हो, पूरा जंगल जंगल है। तो रात को तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, अब हम रात को तो यहाँ नहीं आ सकते, प्रिफर ही नहीं करूँगी मैं, क्योंकि तो ये रास्ता सेफ नहीं है, बहुत ऊबड़ खाबड़ है। आप ये व्यू देखिए यहाँ की वादियाँ, मैं आपको जानकी चट्टी पहुंच चुके हैं। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, 7 बजे तक हम लोग जानकी चट्टी पहुंच गए। रास्ते में काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छे व्यूज़ देखने के लिए मिले। और एक बात और है कि जब जानकी चट्टी 30 किलोमीटर रह गया था तो रास्ता काफ़ी ख़राब था, बीच बीच में काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्ता था, तो केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल टाइम टेकिंग था। और अभी हम लोगों ने जानकी चट्टी में एक होटल में रूम बुक किया है, ठीक ठाक सा रूम है, अच्छा है। यहाँ पे हम लोग ओवरनाइट स्टे करने वाले हैं, उसके बाद फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। यहाँ से करीब 5 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे और 5-6 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, तो अर्ली अगर निकलेंगे तो टाइम से हम ट्रैकिंग पूरी कंप्लीट कर लेंगे।